Hello and welcome friends, today we are going to learn about primary key and this comment came from my viewer and the name of the viewer is Archana और ये अर्चना जो है हमारे चैनल की रेगुलर व्यूअर है और काफी इन्होंने लाइक किया है हमारे वीडियोस को तो इनका ये कहना है कि क्या प्राइमरी की को बीच में रख सकते हैं दूसरी कंफ्यूजन यहां पर एक व्यूअर की और भी क्रिएट हुई है जो कि ये है कि क्या एक से अधिक प्राइमरी की तो एक से अधिक प्राइमरी की पर पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं इस वीडियो में भी मैं इस बात पर डिस्कस जरूर करूंगा कि एक से अधिक प्राइमरी की रख सकते हैं या नहीं रख सकते ठीक है तो अभी चलते हैं देखते हैं सबसे पहले ये ब्लैंक डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लीजिए और ये जो ब्लैंक डेटाबेस आपको दिख रहा है ना यहां पर आपको कर देना है क्लिक ठीक है तो ये यहां पर क्लिक कर दिया हमने और यहां से आपको क्रिएट पर कर देना है क्लिक तो जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आएगी यहां पर आपको दिखेगा व्यू यहां पर व्यू पे जाइए और आ जाइए डिजाइन व्यू पर आ गए अब यहां पर आपको क्या करना है टेबल का नाम देना है ठीक है तो आपको जो भी टेबल का नाम आप देना चाहते हो दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश जैसे जिस चीज से रिलेटेड हो टेबल ठीक है तो ये मैंने दे दिया अब देखिए इसी को प्राइमरी की कहते हैं मतलब क्या होता है इसका ये जो प्राइमरी की दिख रही है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू इसमें सिर्फ एक बार एंटर होगी जैसा कि मैंने बताया कि फील्ड नेम में हम टाइटल लिखते हैं और डेटा टाइप क्या होता है डेटा टाइप का मतलब अगर आप इनमें से कोई भी डेटा टाइप चूज कीजिए जैसे यहाँ पे ऑटो नंबर चूज किया गया तो ऑटो नंबर में अपने आप नंबर आता चला जाएगा 1 2 3 4 नंबर तो नंबर ही होगा ना टेक्स्ट तो इसमें लिख नहीं सकते आप ठीक है अगर टेक्स्ट लेते हैं तो इसमें नंबर भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं मेमो लेंगे तो कोई पहले से चीज रिकॉर्ड करके रख लीजिए आप जैसे आई कॉल यू लेटर इस तरह की चीजें तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी ठीक है यहाँ पे नंबर में सिर्फ नंबर आएगा डेट एंड टाइम में डेट एंड टाइम आएगा करेंसी में करेंसी आएगी ऑटो नंबर तो पहले ही बता दिया यस और नो डेटा टाइप जो कि अटेंडेंस शीट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी तरह से ओएलई ऑब्जेक्ट है हाइपरलिंक है अटैचमेंट है और एट लास्ट लुकअप विजार्ड है तो आज का ये विषय प्राइमरी की को लेकर के है ठीक है तो इनका ये कहना है कि क्या बीच में नहीं रख सकते क्या प्राइमरी की को तो चलिए ये देखते हैं कि बीच में रख सकते हैं या नहीं तो इसको मिडल में प्लेस करेंगे बीच में प्लेस करेंगे कैसे करेंगे किस तरह से ये होगा चलिए आइए देखते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम कर देता हूं अब आपको जैसा कि पता है कि स्टूडेंट नेम एक फॉरेन की होता है प्राइमरी की नहीं होता है ठीक है तो स्टूडेंट नेम जैसे ही लिखता हूं यहाँ पे तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा तो यहां से टेक्स्ट कर लेता हूं और यहां पे हमें अब रोल नंबर देना है तो रोल नंबर तो यूनिक की हो सकता है ना जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी की एक यूनिक की होती है ठीक है तो ये रोल नंबर कर दिया अच्छा इसको हम रख लेते हैं ऑटो नंबर इसको हम ऑटो नंबर रख सकते हैं कि नहीं रोल नंबर को तो यहाँ पे ऑटो नंबर कर देता हूं ठीक है और अब हमको बीच में रखना है जैसा कि इन्होंने कहा है अब यहां पे क्या करता हूं एक सब्जेक्ट हिंदी ले लेता हूं दूसरा ले लेता हूं इंग्लिश ठीक है ये इंग्लिश कर लिया ओके अब यहां पे कर लेता हूं टोटल ओके ये कर दिया हमने अब देखिए यहां पर जो हमने लिया डेटा टाइप ठीक है वो हमें लेना है नंबर क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं ये सारी बातें पहले भी बता चुका हूं तो यहाँ पे नंबर ही कर लेते हैं अब इसको हमें बीच में प्लेस करना है तो क्या करेंगे हम यहां पर कर्सर को रखेंगे राइट क्लिक करेंगे और यहां से प्राइमरी की इसे बना देंगे ये देख लीजिए बहुत ही आसान है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बहुत ही इजिली आप ये कर सकते हैं और बस आपका काम हो गया यहां पर क्लिक करिए व्यू पर और व्यू पर क्लिक करने के बाद यस कर दीजिए ओके कर दीजिए ओ यहां ऑटो नंबर नहीं रखेंगे यहां पे नंबर ही कर लेते हैं अब ओके कीजिए और यहां से यस कर दीजिए तो ये इस तरीके से ये आपको दिखेगा आप देख सकते हैं अब ये जो रोल नंबर है ये प्राइमरी की है ठीक है कैसे पता प्राइमरी की है जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम लिखता हूं और यहाँ पे देखिए रोल नंबर है 1 ठीक है और यहाँ पे कुछ मार्क्स दे देता हूं ओके और टोटल बाद में कैलकुलेट करते हैं ये तो सब आप पहले भी सीख चुके हैं टोटल कैलकुलेट करना फिर मान लीजिए दूसरे भी स्टूडेंट का नाम राम हो लेकिन रोल नंबर अलग हो 2 हो तो ये चीज ठीक है और यहाँ पे मार्क्स दे दीजिए जो भी देना हो ओके फिर यहाँ पे आए फिर तीसरे स्टूडेंट का नाम हो
सोहन, और यहां पे मान लीजिए इनका भी रोल नंबर 2 देने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहां पर आपको ये आगे टाइप नहीं करने देगा, जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये मैसेज दिखाई पड़ेगा, यानी कि प्राइमरी की में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं रख सकते, ठीक है।